हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में BGMI X मुंबई इंडियन क्रिकेट की रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूं। भाइयों, हमारे BGMI के अंदर प्राइज पात का इवेंट भी खत्म होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में BGMI के नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको इस वीडियो में 3.2 अपडेट की रिलीज डेट भी बताने वाला हूं। तो भाइयों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाइयों, आपको हमारे चैनल पर हमेशा PUBG एंड BGMI से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाइयों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले BGMI के प्राइज पात इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाइयों, आप लोग देख सकते हैं हमारे BGMI के अंदर प्राइज पात का इवेंट चल रहा है। ये प्राइज पात का इवेंट हमारे BGMI के अंदर 13 तारीख को एंड होने वाला है। इसी मंथ की 13 तारीख को ये वाला प्राइज पात का इवेंट हमारे BGMI के अंदर से रिमूव हो जाएगा। भाइयों, आपको इस प्राइज पात इवेंट की जगह पर नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट देखने को मिलने वाला है। आपको इस प्राइज पात इवेंट के अंदर दो मिथिक सेट देखने को मिल रहे हैं और आपको इसके अंदर एक अपग्रेडेबल मेली वेपन की स्किन भी देखने को मिल रही है। भाइयों, अगर आपने इस प्राइज पात इवेंट के अंदर UC को स्पेंड किया था तो आप लोग इसके मिशन को 12 तारीख तक कम्प्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख के बाद 13 तारीख को ये वाला इवेंट हमारे BGMI के अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपने इसे परचेस किया था तो आप लोग इसके मिशन को 12 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको BGMI X मुंबई इंडियन के क्रेट के बारे में बता देता हूँ। भाइयों, आप लोग देख सकते हैं आपको इस क्रेट के अंदर एक मिथिक सेट, एक अपग्रेडेबल DP की स्किन, एक डासिया की स्किन और एक हेलमेट और आपको इसके अंदर एक बैकपैक की स्किन देखने को मिल रही है। भाइयों, बहुत से बंदे सोच रहे थे कि ये वाले आइटम डिस्कवरी इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे क्लियर किए देता हूँ कि आपको ये वाले आइटम डिस्कवरी इवेंट के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे BGMI के 3.1 अपडेट का लास्ट टाइम चल रहा है और आपको ये वाला इवेंट 3.1 के अपडेट में ही देखने को मिलने वाला है। आपको तो पता ही होगा कि BGMI के अंदर डिस्कवरी इवेंट 2 मंथ तक चलता है, इसलिए अब तो 2 मंथ का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। इसीलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपको ये वाले आइटम डिस्कवरी इवेंट के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। भाइयों, ये वाले आइटम आपको नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे BGMI के अंदर प्राइज पात का इवेंट 13 तारीख को एंड होने वाला है। उसी दिन आपको ये वाले आइटम BGMI के अंदर देखने को मिल जाएंगे। भाइयों, मैं आपसे 99% कहता हूं कि आपको ये वाले आइटम नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर एक डासिया की स्किन, एक अपग्रेडेबल DP की स्किन और आपको इसके अंदर एक मिथिक सेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास 600 UC हैं तो आप लोग नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के अंदर स्पेंड करके इन आइटम को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। भाइयों, आप लोग देख सकते हैं आपको इसके अंदर लेवल 5 की अपग्रेडेबल DP28 की स्किन देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास UC हैं तो आप लोग नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के अंदर 600 UC स्पेंड करके इस DP की स्किन को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। भाइयों, आपको तो पता ही है आजकल BGMI वाले हम लोगों को फ्री में कोई भी आइटम नहीं देते हैं, तो आप लोग भूल जाइए कि आपको ये वाले आइटम फ्री में मिलने वाले हैं। आपको ये वाले आइटम नेक्स्ट प्राइज पात इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो भाइयों, यही थे मुंबई इंडियन क्रिकेट के लीक्स जो मैंने आपको दिखा दिए और मैंने आपको इसकी रिलीज डेट भी बता दी है। तो भाइयों, चलिए अब मैं आपको BGMI के रिकॉल टोकन के बारे में बता देता हूँ। भाइयों, बहुत से बंदों ने अपनी गेम ID को बंद करके अपने पास रिकॉल टोकन को इकट्ठा किया है। आप लोग देख सकते हैं मेरी ID के अंदर भी 128 रिकॉल टोकन है। तो भाइयों, अगर आप लोगों ने अब तक इसके अंदर से कोई भी आइटम को रिडीम नहीं किया है तो आप लोग इसके अंदर से आइटम को रिडीम कर लीजिए, क्योंकि ये वाला रिकॉल इवेंट हमारे BGMI के अंदर 18 तारीख को एंड होने वाला है। भाइयों, जैसे ही हमारे BGMI के अंदर से ये वाला इवेंट एंड होगा उसी के साथ में आपके रिकॉल टोकन भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक अपने रिकॉल टोकन का यूज नहीं किया है तो आप अपने रिकॉल टोकन का यूज कर लीजिए, क्योंकि इसी मंथ की 18 तारीख को ये वाला इवेंट हमारे BGMI के अंदर एंड हो जाएगा। भाइयों, आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर से मिथिक एंड्रम फ्रेगमेंट को रिडीम कर लेता हूँ, क्योंकि BGMI के 3.2 अपडेट में मिथिक फ्रोज के अंदर हम लोगों को अपग्रेडेबल गन की स्किन देखने को मिल सकती है।
तो भाइयों अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर से मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट को रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर एक मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट मात्र 15 रिकॉल टोकन के अंदर मिल रहा है। आप लोग यहां से बड़ी आसानी से इन्हें रिडीम कर सकते हैं। भाइयों मैंने इसके अंदर से 8 मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट को रिडीम कर लिया है और मैंने इसके अंदर से 160 एजी करेंसी को भी रिडीम कर लिया है। भाइयों मैं हर जगह से एजी करेंसी को रिडीम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एजी करेंसी की मदद से मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट को परचेस करता हूं। भाइयों जब हमारे BGMI के अंदर मिथिक फ्रोज के अंदर कोई अपग्रेडेबल गन की स्किन आएगी, उसी के साथ हमारे गेम के अंदर से रिडीम शॉप के अंदर से मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि पबजी मोबाइल के अंदर रिडीम शॉप में से मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट को रिमूव कर दिया गया है। भाइयों आप लोग देख सकते हैं मेरी इन्वेंट्री के अंदर टोटल 6 बड़े वाले मिथिक एल्बम फ्रेगमेंट हैं। जब भी हमारे BGMI के अंदर मिथिक फ्रोज में कोई भी अपग्रेडेबल गन की स्किन आएगी तो मैं तो उसे बड़ी आसानी से रिडीम कर लूँगा। तो चलिए भाइयों अब मैं आपको BGMI के 3.2 अपडेट के बारे में बता देता हूँ। भाइयों आपको BGMI एंड PUBG के 3.2 अपडेट में मैका फ्यूजन थीम मोड देखने को मिलने वाला है। भाइयों मैंने इस मोड को अपने चैनल पर बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इस मोड के बारे में खास खास चीजें बताने वाला हूँ। भाइयों आपको इस मैका फ्यूजन थीम मोड के अंदर दो जगह पे एलियन शिप देखने को मिलने वाली है। आपको ये वाला मोड इरेंगा, लिबिक और मीरामार के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आपको इस मोड के अंदर इन एलियन शिप के ऊपर बहुत सी लूट भी मिलने वाली है। भाइयों जब ये वाला मोड हमारे BGMI एंड PUBG के अंदर आएगा तो इस जगह पर बहुत से बंदे आने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग सर्कल के बाहर जोन में फंस जाते हैं तो आप लोग इस हेलीकॉप्टर की मदद से बड़ी आसानी से सर्कल में जा सकते हैं। भाइयों आप लोग इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये वाला हेलीकॉप्टर आपको ऑटोमेटिक सर्कल की तरफ ले जाता है। अगर आप लोग जोन में फंस जाते हैं तो आप लोग इसकी मदद से बड़ी आसानी से सर्कल में जाके अपने हिसाब से किसी भी जगह पर जंप कर सकते हैं। भाइयों अगर आप इस हेलीकॉप्टर से जंप नहीं करेंगे तो आपको ये वाला हेलीकॉप्टर आउट ऑफ दी जोन पानी में ले जाकर फेंक देगा। तो चलिए अब मैं आपको इस मोड के सबसे बेहतरीन फीचर के बारे में बता देता हूँ। भाइयों आपको इस मोड के अंदर जंप करते टाइम पैराशूट का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आप लोग किसी भी जगह से जंप करके बड़ी आसानी से पैराशूट को ओपन कर सकते हैं। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला है। और भाइयों आपको इस मोड के अंदर एलियन शिप पर एक बड़ा वाला रोबोट मिलने वाला है, जिसे आप लोग ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। आप लोग इस ट्रांसफॉर्मर की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी जगह पर फ्लाई करके जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं इस रोबोट की मदद से बड़ी आसानी से उड़कर सर्कल में चला जा रहा हूं। भाइयों आप लोग इस रोबोट का बड़ी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको 3.2 के अपडेट में मैका फ्यूजन मोड के अंदर सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही देखने को मिलने वाली है। भाइयों वैसे तो आपको इस मोड के अंदर और भी बहुत सी पावर देखने को मिलने वाली है। आप लोग चाहे पावर कह लीजिए, चाहे आप लोग एबिलिटी कह लीजिए, आपको इस मोड के अंदर बहुत सी न्यू चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। आप लोग इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर ड्राइव करके बड़ी आसानी से अपनी हीलिंग को भी लगा सकते हैं। और भाइयों इस रोबोट के अंदर आपकी पूरी टीम बैठ सकती है। आप लोग इसके अंदर 4 लोग बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। मतलब भाइयों ड्राइव तो एक ही बंदा करेगा, लेकिन आप लोग इसके अंदर अपने तीनों टीममेट को बिठा सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं आपको इस रोबोट के साथ में एक मैग्नेट की पावर भी देखने को मिल जाती है। आप इस रोबोट की मैग्नेट वाली पावर का यूज करके बड़ी आसानी से किसी भी व्हीकल को थ्रो कर सकते हैं और आप लोग इसकी मदद से बड़ी आसानी से किसी भी एनिमी को भी थ्रो कर सकते हैं। भाइयों आप लोग देख सकते हैं आप लोग इस रोबोट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको इस रोबोट के हैंड वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं आपको इसके हैंड वाले पार्ट में स्पीड बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं भाइयों आपको इसके हैंड वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको इसके लेग वाले पार्ट का भी यूज करके दिखा देता हूँ। भाइयों आपको इसके लेग वाले पार्ट में थोड़ी कम स्पीड देखने को मिलने वाली है। आप लोग जब इसके अंदर ड्राइव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपको इसके अंदर रनिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाइयों आप लोग इसकी मदद से लॉन्चर को बड़ी आसानी से फायर कर सकते हैं। भाइयों इस रोबोट के लेग वाले पार्ट में आपके 2 टीममेट बैठ सकते हैं और इसके हैंड वाले पार्ट में भी आपके 2 टीममेट बैठ सकते हैं। भाइयों जब आप लोग इस रोबोट को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आप जब इस रोबोट को अटैच कर लेंगे, तो इस रोबोट के अंदर आपके 4 टीममेट बैठ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस रोबोट को कंप्लीट मतलब अटैच करके भी दिखा देता हूँ।
भाइयों जब आप इस रोबोट के हैंड वाले पार्ट को लेग वाले पार्ट के पास में ले जाएंगे तो आपको एक अटैच करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला रोबोट कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग जैसे ही अनअटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला रोबोट अलग अलग हो जाएगा। तो भाइयों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस मेका फ्यूजन मोड का ये वाला रोबोट कैसा लगा। तो चलिए अब मैं आपको इस मोड के अंदर मिलने वाली जेट पैक भी दिखा देता हूँ। भाइयों आपको इस मोड के अंदर एक शानदार जेट पैक भी मिलने वाली है। आप लोग इस जेट पैक की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपको इस जेट पैक की स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आपको इस जेट पैक के अंदर भी भाइयों मैग्नेट की पावर देखने को मिल जाती है। तो चलिए भाइयों अब मैं आपको BGMI एंड PUBG के 3.2 अपडेट की रिलीज डेट के बारे में बता देता हूँ। भाइयों आपको सबसे पहले PUBG मोबाइल के अंदर 3.2 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। आपको ये वाला अपडेट PUBG मोबाइल के अंदर 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। मतलब इसी मंथ की 13 से 15 तारीख के बीच में आपको PUBG मोबाइल के अंदर 3.2 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और भाइयों आपको 3.2 का अपडेट BGMI के अंदर 21 मई से लेकर 26 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको इसी मंथ की 21 से 26 तारीख के बीच में आपको BGMI का 3.2 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। भाइयों आपको इस मोड के अंदर सेल्फ रिवाइव का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे नॉक हो चुका हूँ और मुझे सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आपको इस मोड के अंदर अपने टीममेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप लोग अपने आप को खुद ही रिवाइव कर सकते हैं। और भाइयों आपको इस मेका फ्यूजन मोड के अंदर एक रिकॉल फ्लेयर भी मिलने वाली है, जिसकी मदद से आप लोग अपने टीममेट को किसी भी जगह पर रिकॉल कर सकते हैं। तो भाइयों यही था BGMI एंड PUBG का 3.2 अपडेट में आने वाला न्यू मेका फ्यूजन थीम मोड। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वाला मोड कैसा लगा। तो भाइयों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाइयों मेरा बनके सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाइयों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज़।